तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, जैसे कि देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपना गैलरी में आना है, जिस भी फोटो का आप लोग को एडिट करना है उस फोटो को ले लेना और इसको शेयर कर लेना लेटरूम एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ से बैग आ जाना, पूरा काट देना है। उसके बाद आ जाना लेटरूम एप्लीकेशन में। तो देख सकते हैं मेरा फोटो आ चुका है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इस ये वाला पिक्चर ले लेना है। इस पिक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं थ्री डॉट का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। इसको कर देना कॉपी सेटिंग, उसके बाद राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, जिस भी फोटो को अभी हम लोग शेयर किए थे लेटर एप्लीकेशन में उसको ले लेना। उसके बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसको कर देना पे सेटिंग। तो देख सकते हैं मेरा फोटो एक ही क्लिक में कितना अच्छा तरह से एडिट हो चुका है। और इसको शेयर कर लेना ऊपर वाले, ऊपर की साइड देख सकते हैं शेयर वाला आइकन दिया है, उस पर क्लिक करना है। फिर से शेयर वाले पे क्लिक करना है और इसको शेयर कर लेना फोटो रूम एप्लीकेशन में। तो देख सकते हैं मेरा फोटो आ चुका है। तो सिंपली थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, व्हाइट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, बैकग्राउंड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद इरेज वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है यहाँ से। उसके बाद शेयर वाले पे क्लिक करके इसको कर देना है सेव टू गैलरी। तो देख सकते हैं मेरा फोटो कटआउट हो चुका है, पीएनजी में सेव हो गया है फोटो। तो यहाँ से बैक आ जाना, पूरा काट देना है। उसके बाद फिर से गैलरी में आ जाना है, जिस भी फोटो को अभी हम लोग कटआउट किए उस फोटो को ले लेना है, इसको शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो देख सकते हैं मेरा फोटो आ चुका है। तो सिंपली इतना करने के बाद क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए क्या करना है, ऊपर की साइड देख सकते हैं सेकंड नंबर वाला, उस पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं यही वाला बैकग्राउंड है, इसको अच्छा से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर देना है, फिर से लेयर वाले पे क्लिक करना है और इसको ऊपर कर देना है और थोड़ा सा फिर से लेयर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद इसमें क्लिक करना है, ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा अच्छा से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा फोटो हो चुका है। उसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली इतना करने के बाद क्या करना है, फिर से उसी में क्लिक करना है, इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला पीएनजी ले लेना है, इस पीएनजी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको थोड़ा बड़ा करके राइट वाले पे क्लिक कर देना, फिर से सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना, इसको ट्रांसफर में क्लिक करना, इसको साइज देख लीजिएगा आप लोग। इसको राइट वाले पे क्लिक कर देना, फिर से लेयर वाले पे क्लिक करना और इसको मॉडल के पीछे कर देना। तो देख सकते हैं मेरा फोटो हो चुका है। उसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर देना, जितना भी पीएनजी सब ऐड कर लीजिएगा आप लोग, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।
through the sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. तो फाइनली देख रहे मेरा फोटो हो चुका है। फोटो थोड़ा ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, इसको स्मूथ करना है। उसके लिए क्या करना है, ऊपर की साइड देख सकते हैं तीसरा नंबर वाला, उस पर क्लिक करना है। थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड आसमान भरा जो सेकंड नंबर वाला है उसको ले लेना। इसका सेटिंग देख लीजिए आप लोग, फॉलो को रखना 13, स्ट्रेंथ को रखना 16, बाकी साइज आप लोग अपना हिसाब से रख लीजिएगा। इसको साइड में टैप करना है और इसको हल्का हल्का चला लेना जैसे मैं चला रहा हूँ। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो finally देख सकते हैं मेरा हो चुका है। तो सिंपली इतना करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है उसको हटाना है। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से लेयर वाले पे क्लिक करना है, इसको प्लस वाले पे क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर बनाना है। एम्प्टी लेयर पे क्लिक करना है, नॉर्मल में क्लिक करना है, इसको सॉफ्ट लाइट कर देना है। उसके बाद साइड में टैप करना है, फिर से ब्रश वाले पे क्लिक करना है, राइट की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम ब्रश इसको ले लेना। इसको सेटिंग देख लीजिए आपको, कैपेसिटी को फुल कर देना है, साइज अपना हिसाब से रख लीजिए आप लोग। उसको कलर वाला पे क्लिक करना है, इसका कलर वाइट कर देना है, तीनों को फुल कर देना है। इसे साइड में टैप करना है और इसको चला लेना हल्का पेस में। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो फाइनली देख रहे तो मेरा हो चुका है, तो ज़्यादा ही लाइट लग रहा है। उसके लिए क्या करना है, फिर से लेयर रोल पे क्लिक करना है, एम्प्टी लेयर में क्लिक करना है और इसको ऑपोसिटी थोड़ा माइनस कर देना है, कुछ इतना रख देना है 20 के आसपास। इसको फिर से साइड में टैप करना है, फिर से प्लस वाले पर क्लिक करके एक टाइम क्लियर बना लेना। इसको भी कर देना सॉफ्ट लाइट, इसको कलर ले लेना रेड, वो साइड में टैप करना, इसको चला लेना हल्का हल्का लिप्स में। इसको ऑपोजिट थोड़ा कम कर देना है, ज़्यादा ही लाइट लग रहा है। तो फाइनली देख सकते हैं मेरा फोटो हो चुका है। सिंपली इतना करने के बाद क्या करना है, इसको सेव करना है। उसके लिए क्या करना है, ऊपर की साइड देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, शेयर वाले पर क्लिक करना है, इसको कर देना सेव टू डिवाइस। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, ताकि मैं और भी इसी तरह का वीडियो लाता रहूं। उसके बाद सेव वाले पे क्लिक कर देना है।